हम देखने और सुनने वाले मेरे भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रजबी, आप देख रहे हैं AM रजबी। मुसलमानों की मस्जिदों पर दिन ब दिन हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकार इस पर एक्शन लेने के लिए राज़ी नहीं है। बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो ओवैसी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, जिसमें कहा गया है योगी सरकार से कि जिन मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं मोदी के खिलाफ कब काम किया जाएगा। पूरी खबर आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ के मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो क्यों नहीं दिखा जाता मीडिया में? सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियां फुला फुला गाली दी जाती है, ये क्या हो रहा है फिर? आप क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आप। वहीं आपको बता दूं कि मुसलमानों की मस्जिद के इमाम पर जानलेवा हमला हुआ, जो अभी आपके सामने वीडियो रखूंगा, आप उस वीडियो को देखना, जिसमें मुस्लिम औरतों को मारा पीटा गया, उन पर जुल्म किया गया, मुसलमानों पर जुल्म किया गया, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ दिया गया, मुसलमानों के घरों में घुसकर मुसलमानों के बच्चों को मारा पीटा गया। अभी पूरी खबर आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए पहले मैं आपको वो क्लिप सुना रहा हूँ, आप उस क्लिप को सुन लीजिए। इतने पुलिस वालों ने यहाँ पे मौलाना को, जो मौलाना हिफाजत करते थे मस्जिद में, से मौलाना को भी उठा के ले गए। तो पुलिस वाले सब फटाफट चढ़े हमारे लड़कों को, हमारे भाइयों को हमारे सामने कुत्ते की तरह मारते हुए ले गए। जब हम बोलने गए तो हमको भी लकड़ी से बहुत बुरी तरह से मार, नहीं सब बोल रहे थे हमको ऊपर से ऑर्डर आए तुम मुसलमानों को हमारा आज खत्म। क्लिप के अंदर आपने सुना होगा कि मुसलमानों की मस्जिद के जो इमाम थे उन पर किस तरीके से जुल्म किया गया, ये मुस्लिम औरतों ने बताया, किस तरीके से उनको ले जाया गया और उनके साथ में और भी मुसलमानों को मारा पीटा गया, उनको जलील और रुश्बा किया गया। लेकिन अभी तक मोदी सरकार, योगी सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। जब बता दूं कि मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, सरकार को उसके खिलाफ काम करना चाहिए, क्योंकि अब मुसलमान सरकार से मांग कर रहे हैं। आप देखें दिल्ली के अंदर मुसलमानों ने धरना किया, उसके अलावा और भी जगह मुसलमान परेशान है, तो मुसलमान सरकार से अपील कर रहे हैं, मुसलमान मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिदों पर जो हमले सरेआम हो गए हैं उनके खिलाफ सरकार को काम करना चाहिए, उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जो मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, मुसलमानों के मीनारों पर भगवा झंडे लहरा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पर भगवा झंडे लहरा रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। आखिर कब तक मुसलमान ख्वाब खरगोश में सोता रहेगा और मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले होते रहेंगे, मुसलमानों को मारा पीटा जाता रहेगा, मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जाएगा? मुसलमानों, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। मिलते आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।